बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपने पूरी लाइफ में कभी ड्रग्स नहीं लिए हैं। ये बात हम नहीं बल्कि ये बयान रिया चक्रवर्ती के वकील ने तब दिया जब ईडी ऑफिशियल्स ने रिया पर ड्रग्स लेने और डील करने का आरोप लगाया। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। टाइम्स नाउ के अनुसार ईडी के अधिकारियों को रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट का डिटेल मिला है, जिससे पता चलता है कि रिया ड्रग्स ले रही थी और वो इसकी डीलिंग भी कर रही थी। रिया के वकील ने अब इन आरोपों के जवाब में कि रिया ड्रग डीलर्स के कांटेक्ट में थी, कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने लाइफ टाइम में कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है, वो किसी भी समय ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं। ये लेटेस्ट एलिगेशन सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में लगभग 2 महीने के स्पेक्यूलेशन के बाद आए हैं। सीबीआई अब ड्रग यूज के एंगल की भी जांच कर सकती है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के फोन से जो व्हाट्सएप चैट बरामद किया है, वो चैट सीबीआई के साथ शेयर किया गया है। जांच के सिलसिले में आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई द्वारा पूछताछ की जा सकती है इस सिलसिले में कि ऐसे क्या हालात बने कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। सूत्रों का कहना है कि जो मैसेजेस रिया चक्रवर्ती और एक व्यक्ति के ड्रग के खरीद के बारे में है, उस आदमी का नंबर रिया के फोन पर मिरांडा सुशी के नाम पर सेव किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुशी था और मिरांडा शायद उनके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के लिए है। वेल, सीबीआई जल्द ही इन चैट्स की ट्रूथ फाइंड आउट कर लेगी, लेकिन इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।